नमस्ते बंधुओं, आप सभी के लिए होली की शुभकामनाएं। मित्रों, आज 9 मार्च सन 2020 है। आज फागुन महीने की पूर्णिमा है। आज होली का दिन। दोस्तों, होली लाखों वर्ष से मनाई जाती है। होली का जो पर्व है, ये प्रेम का पर्व है। होली हमें ये सिखाती है, जो होली सो होली, यानी कि लड़ाई झगड़े बुरी बात हमारी जो हो गई सो हो गई, अब हमें आगे आज से गले मिलकर के प्रेम से आगे बढ़ना है। तो मित्रों, आज कोरोना वायरस चल रहा है, तो हमको केवल हाथ जोड़ करके नमस्ते करके होली मिलनी है। कम से कम 1 मीटर दूर से नमस्ते जी कह करके होली मिलनी है। हमको गले नहीं मिलना, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। सर्दी जुकाम होने से भी इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों, महर्षि दयानंद तो नमस्ते का प्रचार करते थे, सभी से नमस्ते करते थे। ये नहीं है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा कुछ नहीं, सभी के लिए नमस्ते। तो हमको नमस्ते कह करके होली मनानी है। और होली का जो पर्व मनाया जाता है, वो होला यज्ञ है। पहले लोग यज्ञ करते थे घर घरों में, और कोरोना जैसे वायरस ठीक हो जाते थे। इन दिनों में चेचक होती है, तो यज्ञ करने से चेचक, खसरा, टाइफाइड सभी रोग ठीक हो जाते हैं। तो होली जो एक होला यज्ञ है, यानी कि सामूहिक रूप में वो सभी गांव के लोग मिलकर के उसमें घी सामग्री डाल करके उसे होला यज्ञ करते थे। तो दोस्तों, यज्ञ एक चिकित्सा है। पहले लोग वायरस को केवल यज्ञ करने से ही ठीक कर देते। यज्ञ एक वैज्ञानिक पद्धति है। जैसे गिलोय है, अगर आप गिलोय अकेले खाएंगे तो आपको अकेले में फायदा होगा, और गिलोय को, मखाने को, और जड़ी बूटियों को, जैसे जड़ी बूटियां होती हैं, मुनक्का है, बादाम है, तिल है, और उड़द है, इस तरह सामग्री मिला करके, गाय का घी है, तो सामग्री बना करके जो यज्ञ किया जाता था, तो पूरे वायुमंडल को शुद्ध करती थी। तो यज्ञ एक बहुत बड़ा हमारा पर्व था। यज्ञ पर्व होता है होली का पर्व। आप खुद ही देख लीजिए, होली बहुत बड़ी क्यों मनाई लगाई जाती है। सभी लोग आहुति डालते थे उसमें, और पूरा वातावरण शुद्ध होता था। तो फागुन महीने की पूर्णिमा को होला यज्ञ होता था, पूरा देश में होता था। तो भारत की जो संस्कृति है, वो विश्व में मान्य है। तो यज्ञ करने से ही सभी रोग ठीक हो जाते हैं। आज भी यज्ञ किए जा रहे हैं। तो होली में सामग्री डालनी चाहिए, अच्छे अच्छे पदार्थ डालना चाहिए। अगर तगर बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं, डाल करके अगर हम यज्ञ करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और ये जो रंग डालने का जो त्यौहार है, ये कलर थेरेपी है, रंग चिकित्सा है। टेसू का फूल से खेलें। तो दोस्तों, हमको प्रेम से हाथ जोड़ करके नमस्ते करके होली करनी है, क्योंकि वायरस चल रहा है, तो उसके बचाव और बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक और कहना है कि तला भुना ज़्यादा न खाएं, और मैदा की चीज़ ज़्यादा न खाएं। तो दोस्तों, हमको अपने त्यौहार प्रेम पूर्वक मनाने चाहिए। तो मैं जयपाल सिंह आर्य, अध्यक्ष महर्षि दयानंद चैरिटेबल जनसेवा ट्रस्ट बुलंदशहर, मेरा मोबाइल नंबर 98 97 35 83 04। जय हिंद, नमस्ते सब।